अजा हीरा दंडिया सुरमई कक्कन साफी रामा सीरा मुल्ला सुरमई दंडिया अजा लेडी फिश जिंदा टाइगर अजा होलसेल की दुकान है भाई अजा सारी मछलियां दस्तियाब है रहो धोता हीरा सुरमई हाथ में भी नहीं आ रही है तो कैटफिश है वाह वाह नहीं उठाई जा रही भाई ये देखें कोई धोखा नहीं कोई फरेब नहीं बिल्कुल ताजा मछली है देखें जिंदा मछली है बिल्कुल ताजा और जिंदा अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम है अकील पठान और अल्लाह ताला का पाक नाम लेके ब्लॉग करते हैं शुरू और आज हम लोग पहुंच गए हैं मूसा कॉलोनी। सर्दियों के आते ही जो है वो फिश खाने का बड़ा अहतमाम होता है हर जगह पर मतलब जैसे सीज़न चेंज होता है तो सीज़न के हिसाब से खुराक भी चेंज जाती है तो आज हम लोग आ गए मूसा कॉलोनी और यहाँ पर जो है वो फ़िश की एक छोटी सी मार्केट है छोटी तो नहीं कहेंगे बड़ी मार्केट है जहाँ पर जो है वो ज़िंदा फ़िश भी आपको मिल जाती है और ताज़ा भी मिल जाती है। तो बहुत से लोग जो है फिशरी जाने से अवॉइड करते हैं कि यार इतनी दूर कौन जाए सुबह सुबह उठ के जाना पड़ता है। तो ये जो है जियाउद्दीन हॉस्पिटल के थोड़ा सा आगे जाएंगे एक पतली सी गली अंदर आ रही है मूसा कॉलोनी में और यहाँ पर जो है ये फ़िश मार्केट है यहाँ पर आपको हर किस्म की फ़िश मिल जाएगी। हम लोग आ गए यहाँ फ़िश देखने के लिए आपको बताते हैं कौन कौन सी फ़िश है प्राइजेस क्या हैं और कैसी है फ़िश। आप हर किस्म की आपको जो है फिश मिलेगी मेरे ख्याल पॉपलेट है और कुंद है और मुझे तो नाम भी नहीं आते काफ़ी सारी फिशेज यहाँ पर रखी हुई हैं तो भाई से पता करते हैं कि क्या रेट है और कितने की क्या हिसाब किताब है। फिश के प्राइस तो भाई अभी तो थोड़ा बढ़ेंगे अभी तो हम लोग नॉर्मल में है। हाँ जी माल जैसा भरपूर होगा तो रेट मुनासिब होगा माल शॉर्ट होगा तो रेट बढ़ जाएंगे। फ्रेश है माशाल्लाह फ्रेश ही है हम कोशिश करते हैं फ्रेश दे कस्टमर बाकी कस्टमर की नसीब होती है वो क्या लेके जाए तो उसके लिए ज़्यादा जायके का भाई खाना है तो सुरमा ही खा लेते सुरमा ही खाने का रामस होता है व्हाइट कुन होता है धोतर है मुस्का है काला पापलेट है और इंडियन सैलमन है फिर ज़्यादातर कुन है व्हाइट कुन ये चलते बहुत है ये अच्छे काम जो ना लेके जाते हैं। आ गया है तो घर पर एक छोटी सी दावत रखी है तो उसके लिए बेसिकली मैं और मेरे वालिद साहब आज यहाँ पे आए हैं बंगाली पड़े जियाउद्दीन के बैक साइड पे मौजूद है और हम लोग यहाँ से मुश्का ले रहे हैं तकरीबन 6-7 किलो जी जी यहाँ से बिल्कुल फ्रेश ताज़ी मछली मिलती है और जायका भी बहुत ज़बरदस्त होता है। अच्छा जी हम एक और शॉप पर आ गए हैं हुसैन भाई की शॉप है यहाँ पर इनके पास बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वान्टिटी में फिशेज हैं। ये जी वाइट पापलेट आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत किस्म की फिश है और 1600 रुपये के जी है ये देख सकते हैं आप ब्लैक कॉर्न बिल्कुल फ्रेश पीस है और इसके क्या प्राइस है तकरीबन 500 रुपए लेकिन 450 हो जाएंगी रियायत। अच्छा मुल्ला फिश 650 रुपए किलो आपको यहाँ मिल जाएगी वैसे ये 700-800 रुपए किलो चलती है। ये जी 700-750 रुपए किलो है हीरा आप देख सकते हैं ये मीठे पानी की दहिया फिश है और इस अच्छा इसके प्राइस क्या है ये है 300 रुपए किलो इसमें कांटे होते हैं। अच्छा ये है जेन्युइन धोतर गोल्डन धोतर ये क्या किलो है 600 रुपए किलो है ये देख सकते हैं आप ब्लैक पापलेट बड़े जबरदस्त दाना है तकरीबन 3-4 किलो का तो होगा ये क्या प्राइस है इसके रेट ऊपर चढ़ गया ये 1100 रुपए किलो झींगे जो है वो क्या हिसाब चल रहे हैं यहाँ पे झींगे मुझे देखिए प्रॉन्स भी वहाँ नजर आ रहे हैं झींगे तो हमारे पास 3-4 है माजला सब वीवीआईपी सिस्टम जमाता है। तो इसके क्या प्राइस है ये मुख्तलिफ 1000 है 1200 है 1500 है भाई ये मामा क्या बोलते हैं व्हाइट गुन भी है बड़ी ये व्हाइट गुन भी भाई 700 रुपए किलो है एक दाना हम 4 किलो 5 किलो अब ये 700 रुपए किलो ये वाली है 800 रुपए किलो इसको बोलते हैं एमरजेक बोलते हैं इंग्लिश में एमरजेक वो अच्छी मछली है भाई
जो है संडे का दिन है और यहाँ पर देखे रश काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है और हर किस्म की फिश यहाँ पर मौजूद है। यहाँ छोटी बड़ी बहुत सारी शॉप्स हैं और रश बहुत ज़्यादा लोगों का और काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी के अंदर जो है इनके पास प्रॉन्स, झींगे, फिश, सब बड़ी छोटी सारी किस्म की इनके पास फिश है और अभी जो है वो रेट काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। अगर आप अभी ले जाएंगे तो फ़ायदा होगा आपको। ये देख लें, ये हीरा रेड स्नैपर, बहुत अच्छी मछली है। ये हीरा है, हीरा, हाँ ओरिजिनल हीरा है। क्या प्राइस? ये 600 रुपए किलो, 650 रुपए किलो। मुश्का है वो भी 600 रुपए किलो, धंधिया 550 रुपए किलो, ओरिजिनल धंधिया होगी। ये डांगरी के बच्चे हैं, ये भी 650 रुपए किलो, कम से कम 600 रुपए किलो पड़ेगी। ये ककान मछली है, हाँ मुंडा बनवा दूंगा। ये ककान मछली है, ककान है, सफेद रोह भी कहते हैं ककान मछली। ये भी व्हाइट मीट है, एक कांटा अच्छी मछली है, साफी एमर जैक भी कहता है। एक ही कांटा आएगा, फिंगर बोलना, बिस्किट स्लाइस कुछ भी बनवा लें आप इसका ना, ये भी फ्रेश नहीं है। ये 700 रुपए किलो, आपसे रेट कभी भी ज्यादा नहीं ले सकते। असल में मछली थोड़ा सा छोटा ना है, ताजी वरना इस टाइम लोग फ्रीजर की मछली बेच रहे हैं, स्टोर का भी लाके बेच रहे हैं। जो है सारे झींगे हैं, छोटे बड़े हर किस्म के, बहुत ज्यादा प्रॉन्स की क्वांटिटी है इनके पास। अच्छा, यहाँ फिश तो आपको मिलेगी मिलेगी, फिश के साथ यहाँ पर जो है वो फिश के मसालों की शॉप्स वगैरह भी हैं। यहाँ पर आपको हर चीज़ जो है मसाला भी मिल जाएगा फिश का, हर किस्म का ऑयल वगैरह, मसाले जात, हर चीज़ जो है इन्होंने रेडी करके रखी है, तो आप इनसे यहाँ से आके इजीली परचेज कर सकते हैं और जायके वाली फिश बना सकते हैं। कोई धोखा नहीं, कोई फरेब नहीं, बिल्कुल ताज़ा मछली है, देखें जिंदा मछली है, बिल्कुल ताज़ा और जिंदा। ये भाई देख ले, इनके पास मिलेगी बिल्कुल फ्रेश और ताजा मछली। ये जी हमारी जो है फिश हो गई है, अभी चाचू अब ये बनाना आपको पड़ेगी क्योंकि आपको पता ही है। तो फाइनली जो है मूसा कॉलोनी फिश मार्केट का विजिट हो गया एंड, और यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त ज़बरदस्त किस्म की फिशेस थी। मेरे मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर इतनी अच्छी फिशेस मिल जाएंगी, लेकिन फिश बहुत ज़बरदस्त थी यहाँ पर, और ज़िंदा फिश भी थी और ताज़ा भी थी, हर किस्म की फिश थे। मैंने तकरीबन कोशिश की जितनी भी फिशेस थी, जितनी भी सब के रेट आपको बताए किलो के हिसाब से। तो अगर आप लोग फिशरी नहीं जाना चाहते और ताज़ी मछली खाना चाहते हैं तो आप जो है ज़ियादीन अस्पताल से साथ में गली जा रही है उसमें जो है मूसा कॉलोनी फ़िश मार्केट का है, और यहाँ पर जो है ये फ़िश इनकी बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन फ़िश है। तो जाने से पहले वही रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे और आबिद को दीजिए इजाज़त। खुदा पैमान, अल्लाह हाफ़िज़।